दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VGFX पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम किसी वीडियो को एक साथ रिमूव करते हैं, यानी कि एक तो आप कंट्रोल ए करके किसी वीडियो को रिमूव कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि मैं किसी वीडियो को उठा लेता हूँ, यहाँ पे ई प्रेस करके मैं डायरेक्ट ई ड्राइव में चला गया और यहाँ पे हम डालते हैं अब ये वीडियो ले लेते हैं, सिंपली इसको डिलीट कर लिया हमने। अब ये देखिए, मैं जो आपको ट्यूटोरियल बना के दिखा रहा था वो ये वाला बना के दिखा रहा था, ये वाला, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि मेरा एक हिस्सा, ये इतना पोर्शन मैंने कट लगाया है यहाँ पे, पूरे का पूरा पोर्शन, यानी कि मेरी वीडियो थी वो सिर्फ इतनी थी, इतनी। उसके बाद जो मैंने दूसरा पोर्शन पे कट लगाया तो इतना बाकी रह गया हिस्सा, ये आप देख सकते हैं। ये इतना पोर्शन हमारा बाकी रह गया। अब क्या करना होगा हमें, अगर आप वैसे, एक तो तरीका होता है आपका, ये पूरा का पूरा ड्रैग करके इस टाइप से आप सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं, यानी कि इस टाइप से आप रिमूव कर सकते हैं, ये डिलीट कर दिया मैंने, एक तरीका तो इसका ये होता है। दूसरा होता है कि आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना है और एंड प्रेस करना है, और आप ये देख सकते हैं कि जो मेरी ये वीडियो, ये वाली वीडियो रखी हुई थी, ये वाली पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी मेरी वीडियो एक ही क्लिप में डिलीट हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर का जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया सिलेक्ट है। अब मैं इस तरह इसको अगर उठा के भी ले जाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा एरिया ही एक साथ मूव करेगा टाइमलाइन के ऊपर, ये पूरा का पूरा एरिया। तो इसको मेरे को करना क्या है, आपने सिंपली शिफ्ट एंड दबाना है, कर्सर पहले रखना है और शिफ्ट एंड दबा देना है। याद रखिएगा दोस्तों, शिफ्ट और एंड प्रेस करना है आपने और इसको डिलीट करने कर देना है। देखिए ये हमारी पूरी की पूरी वीडियो डिलीट हो गई है, और आप यहाँ पर अब इन और आउट लगा के आई और ओ, यानी कि लाके मूवी की ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। ये है मूवी 5 मिनट 4 सेकंड का ये वीडियो क्लिप है जो आपका को मैं ट्यूटोरियल बना के दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप इन आउट रिमूव करना चाहते हैं इसके, तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए और क्लिक सीक्वेंस मार्कर कर दीजिए, ये देखिए ये सब डिलीट हो गया।